मुख्यमंत्री हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं। बता दें कि इस दौरान श्रद्धांजलि के दौरान कई अधिकारी मौजूद हैं और धीरे धीरे करके उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और इस दौरान नारे भी लगाए जा रहे हैं अमर रहे के। शिमला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जेपी नड्डा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री वीरभद्र की श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको श्रद्धांजलि के लिए देने के लिए कई अधिकारी उस दौरान मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिमला से जहां कई अधिकारी मौजूद हैं, उनके परिजन मौजूद हैं और इस दौरान अमर रहे के नारे भी लगाए जा रहे हैं और उनकी शांति की कामना के लिए सभी लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। शिमला से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वीरभद्र का पार्थिव शरीर भी है और उनको श्रद्धांजलि के लिए कई लोग पहुंचे हैं, कई कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और वहीं इस दौरान वीरभद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद हैं। जेपी नड्डा शिमला पहुंचे हैं और वीरभद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की है और बता दें कि इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद हैं। उनकी शांति की कामना के लिए लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व सीएम वीरभद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं। वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की तरफ से उनके पार्थिव शरीर पर, वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर प्रीत रखा और साथ ही साथ अपनी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ रहे, उनके परिवारजनों से भी मिलने का मौका मिला। 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी के साथ अस्पताल में उनको देखने आया था। उस समय वो रिकवर कर रहे थे लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ और ही रचा था, वो हमारे बीच में आज नहीं है और काल ने उनको हम सब से छीन लिया है। ये बहुत ही दुखद घड़ी है। हमारी राजनीतिक विचार अलग अलग थे लेकिन फिर भी उनके प्रति सम्मान और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मुझे मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि वी एग्रीड टू डिसएग्री बट वी रिस्पेक्टेड ईच अदर्स सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो उन्होंने एक, और मैं तो ये मानता हूँ कि प्रदेश की भी क्षति है और कि एक बड़ा नेता जिसने हिमाचल के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया वो हमारे बीच में नहीं है। और दूसरी बात कि व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए भी क्षति है क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मुझे विपक्ष का नेता बनने का यहाँ मौका मिला विधानसभा में और बहुत कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिला। ही वॉज माई गाइड ऑल्सो एंड हैड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग बोथ ऑफ अस। तो आज मैं मानता हूँ कि एक ऐसे शख्सियत को हिमाचल प्रदेश ने खो दिया है जिससे हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश लाभान्वित भी हुआ और यह क्षति प्रदेश की भी है और व्यक्तिगत तौर पर मेरी भी। अगला क्या कार्यक्रम है आपको उठाई भी करना? नहीं, मैं यहीं नरेंद्र बरागटा जी के भी कार्यक्रम में जाऊंगा, उनके परिवार से मिलूंगा। Thank you.
शिमला से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कई बड़े नेता वीरभद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। खबर मरवाही से है, जहां